हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में। एंटी डायबिटिक ड्रग कितने प्रकार के होते हैं? सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टैबलेट ग्लिम्प M1। सो गाइस, मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए और मेडिसिन की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और मेरी अगले आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त शुभम घोसेकर, आपके मेडी नॉलेज फार्मेसी में। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले डिस्कस करते हैं टैबलेट ग्लिम्प M1 के मैन्युफैक्चरिंग के। टैबलेट ग्लिम्प M1 को मैन्युफैक्चर करती है बायोकेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बायोकेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये कंपनी है गाइस जो टैबलेट ग्लिम्प M1 की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसी के साथ इसकी मार्केटिंग करती है जर्मन रेमेडीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। सो गाइस, ये थी टैबलेट ग्लिम्प M1 की मैन्युफैक्चरिंग। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस और डिस्कस करते हैं टैबलेट ग्लिम्प M1 के पैकिंग और प्राइस के। सो गाइस, टैबलेट ग्लिम्प M1 की पैकिंग 10 गोली की एक स्ट्रिप्स आती है गाइस, जिसकी कॉस्ट होती है लगभग 88 रुपीज़। और ये टैबलेट ग्लिम्प M1 के साथ ग्लिम्प M2 भी आती है गाइस, और ये जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन में अवेलेबल है। साथ ही साथ इसके स्टैंडर्ड मेडिसिन में भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। सो गाइस, ये थी टैबलेट ग्लिम्प M1 की पैकिंग और प्राइस। सो गाइस, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टैबलेट ग्लिम्प M1 के कंटेंट और कंटेंट के रूल। सो गाइस, टैबलेट ग्लिम्प M1 में दो प्रकार के कंटेंट होते हैं, जिसमें पहला है ग्लिमिप्राइड 1 mg और दूसरा है मेटफॉर्मिन 500 mg। सो गाइस, ये दोनों कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर में किस प्रकार से काम करते हैं, इनका क्या रोल होता है। सो गाइस, देखते हैं सबसे पहले ग्लिमिप्राइड। ग्लिमिप्राइड को गाइस सल्फोनिल यूरिया भी कहा जाता है। ग्लिमिप्राइड ये ग्लूकोज लेवल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है पेनक्रियाज में। सो गाइज, ये था रोल ग्लिमिप्राइड का। आप देखते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन गाइज, ये हमारे लीवर और इंटेस्टाइन पे वर्क करता है। मेटफॉर्मिन हमारे लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को स्लो कर देता है, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और हमारे बॉडी में इंसुलिन की वजह से बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ती है। सो गाइज, ये थे टैबलेट ग्लिम्प M1 के कंटेंट्स और कंटेंट्स के रोल। सो गाइज, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टैबलेट ग्लिम्प M1 के यूजेस। सो गाइस, टैबलेट ग्लिम्प M1 के यूजेस बहुत सिंपल होते हैं। सो गाइस, टैबलेट ग्लिम्प M1 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। सो गाइस, ये थे यूजेस टैबलेट ग्लिम्प M1 के। सो गाइस, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टैबलेट ग्लिम्प M1 के डोजेस। सो गाइस, टैबलेट ग्लिम्प M1 के डोजेस आपको डॉक्टर्स के एडवाइस के साथ लेना है, बिकॉज डॉक्टर्स डोजेस एंड ड्यूरेशन पेशेंट्स के डायबिटिक्स के प्रकार के हिसाब से डोजेस एंड ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। उतना ही डोज आपको लेना है गाइज, और उतने ही टाइम पीरियड के लिए लेना है। सो गाइज, ये थे डोजेस टैबलेट ग्लिम्प M1 के। सो गाइज, आइए देखते हैं ये टैबलेट ग्लिम्प M1 के साइड इफेक्ट। सो गाइज, टैबलेट ग्लिम्प M1 के साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं, जिसमें पहला है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, दूसरा है हेडेक, तीसरा है नाउशिया, चौथा है डायरिया और पांचवा है फ्लैटुलेंस। सो गाइज, ये सभी कॉमन साइड इफेक्ट्स टैबलेट ग्लिम्प M1 के हैं। सो गाइज, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस से आपको अगर कोई नॉलेज मिलता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप मेरी वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल मेडी नॉलेज फार्मेसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय।